तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके लिए एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको अक्षरधाम दिल्ली में स्थित मंदिर के बारे में बताएंगे, उसकी पूरी जानकारी देंगे। अक्षरधाम मंदिर में क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के विषय में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेल गाँव के पास 100 एकड़ ज़मीन पर बने स्वामी नारायण मंदिर को अक्षरधाम मंदिर भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे विशाल हिंदू मंदिर के तौर पर इसका नाम गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इसमें 10,000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला को दर्शाया गया है। मंदिर परिसर के अंदर नीलकंठ नाम का एक थिएटर है, जहां स्वामी नारायण की जिंदगी की घटनाएं दिखाई जाती हैं। यहां का म्यूजिकल फाउंटेन भी बहुत खूबसूरत है, जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। यहां हम आपको इस मंदिर के बारे में कुछ खास बातें बता रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली, भारत में स्थित है। यह स्वामी नारायण संप्रदाय के महाराज प्रमुख ने बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला और संस्कृति की शैली में किया गया है। अक्षरधाम मंदिर 5 साल में पूरा हुआ। इसका निर्माण 2005 में पूरा हुआ था। इसके अंदर विशाल वृंदावन, महाराज प्रसाद, ग्रंथ मंदिर और योगी हृदय कॉर्पोरेट का शानदार प्रदर्शन है। यह मंदिर का उद्घाटन 6 नवंबर 2005 को हुआ था। यह मंदिर विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। अक्षरधाम मंदिर में आयोजित संदर्भों और प्रदर्शनों में हिंदू धर्म, संस्कृति और इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का संज्ञान दिया जाता है। अक्षरधाम का निर्माण बौद्धिक और धार्मिक प्रगति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसमें स्थलीय पत्थर के उपयोग से बने भव्य स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर भारतीय इतिहास, संस्कृति और धर्म की अनेक पहलुओं के बारे में जानकारी भी दी जाती है। यहाँ आने वाले लोग शांति और ध्यान की अनुभूति करते हैं। अक्षरधाम का नाम संस्कृत में अक्षर और धाम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अजर अमर धाम। यह मंदिर देश के सबसे बड़ा स्वर्ण मंदिर है और उसमें विभिन्न भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों का उल्लेख है। अक्षरधाम में एक प्रकार की विशाल झील और पार्क भी हैं, जो आने वालों को मनोरंजन के लिए आकर्षित करते हैं। इसकी मिट्टी और संरचना भारतीय स्थापत्य कला के अनुसार है। भगवान स्वामी नारायण को समर्पित एक पारंपरिक मंदिर भारत की प्राचीन कला, संस्कृति और शिल्प कला की सुंदरता और आध्यात्मिकता की झलक प्रस्तुत करता है। इस मंदिर की खासियत यह भी है कि इसमें स्टील, इस्पात या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के मिश्रण से बनाया गया है। इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। मंदिर का उद्घाटन 6 नवंबर 2005 को किया गया था। मंदिर में भारत के ऋषियों, साधु आचार्यों और अवतारों के 200 पत्थर से बनी मूर्तियां मौजूद हैं। इसमें कुल 234 नक्काशीदार पिलर्स, 9 गुंबद और लगभग 20,000 मूर्तियां हैं। बताया जाता है कि हर साल करीब 10 लाख पर्यटक यहां दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर करीब 100 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। मंदिर को वास्तुशास्त्र और पंचशास्त्र की बारीकियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 350 फुट लंबे, 315 फिट चौड़े और 141 फिट ऊंचे स्मारक हैं, जो बहुत ही आकर्षक हैं।
इसका डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि यह मंदिर कम से कम 1000 साल तक सुरक्षित रहे। मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड भी है। कपड़े आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें कंधे और घुटने ढके हुए दिखें, नज़र नहीं आए। यदि आपने ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं तो आप यहाँ से 100 रुपये राशि जमा करा कर ले सकते हैं, जो रिफंडेबल अमाउंट होता है। अक्षरधाम मंदिर में कुल 10 द्वार हैं, जो वैदिक साहित्य के अनुसार 10 प्रमुख दिशाओं का प्रतीक है। यह द्वार सभी दिशाओं से आने वाली अच्छाई का प्रतीक है। अक्षरधाम मंदिर भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और आध्यात्मिकता का एक नायाब नमूना है। मंदिर में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जैसे मोबाइल, कैमरा, पेन ड्राइव, हैंड्स फ्री इत्यादि, सभी तरह के बैग, पर्स, कंधे पर टांगे जाने वाले, हाथ में लटकाए जाने वाले, खाद्य एवं पेय पदार्थ, खिलौने, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ समेत कई व्यक्तिगत चीज़ों को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। अक्षरधाम मंदिर का म्यूजिकल फाउंटेन काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं, क्या बच्चे और क्या बूढ़े। अक्षरधाम मंदिर आकर हर किसी का मन रम जाता है। 4 साल के बच्चों के लिए यह फ्री है। वहीं 12 साल तक के बच्चों का टिकट 50 रुपये है और बाकी सब के लिए 100 रुपये का होता है। मंदिर परिसर के अंदर नीलकंठ नाम का एक थिएटर है, जहां स्वामी नारायण की ज़िंदगी की घटनाएं दिखाई देती हैं। यहां का म्यूज़िकल फाउंटेन भी बहुत खूबसूरत है। हर शाम यहां 15 मिनट का शो चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमारे को बताएं। और आप